हेलो आदाब, नमस्कार, जय जिनेंद्र, केम छो दोस्तों। गणेश चतुर्थी आ गई है और आने वाले हैं हमारे प्यारे गणेश जी, और गणेश जी का पसंदीदा भोजन है मोदक। तो चलिए बनाते हैं मोदक जो फटाफट बन जाए और गणेश जी को भी पसंद आए और आपको भी। ये मोदक बनाने के लिए हमें चाहिए सिर्फ दो इन्ग्रीडियंट्स। एक है मिल्कमेड, जो आपको ये स्कैंड में मिलता है, नेस्ले का होता है, आप कोई भी और ले सकते हैं, और दूसरा चीज़ डेसिकेटेड कोकोनट। बस इन दो इंग्रेडिएंट से मिला के हमारा फटाफट बनने वाला मोदक की रेसिपी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये मिल्क मेड थोड़ा थोड़ा करके डेसिकेटेड कोकोनट में ऐड करते जाना है। एक साथ ऐड नहीं करें, नहीं तो ये घोल बहुत पतला हो जाएगा। हम थोड़ा थोड़ा करके मिलाते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। तो ये अब हम मिक्स कर लेते हैं। जब हमें लगता है कि मिक्सचर ड्राई हो रहा है तो वैसे उसमें हम और मिला लेंगे, और हम मिल्क मेड मिला लेते हैं। मिल्क मेड ऑलरेडी स्वीटेंड होता है, यानी कि उसमें मीठापन पहले से मौजूद होता है, इसलिए हमें अलग से चीनी या चीनी का बूरा डालने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। बस इन दो इन्ग्रीडियंट से ही ये मिक्सचर अच्छे से मीठा हो जाता है। अभी भी ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो इसमें और हम मिला लेते हैं मिल्क मेड, और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। दोस्तों, इस सिंपल रेसिपी से आप ना सिर्फ मोदक, बल्कि अगर कभी आपके घर अचानक से मेहमान आ जाए और कोई मिठाई नहीं है तो लड्डू भी बना सकते हैं। फटाफट 2 मिनट में बन जाएगा और टेस्टी तो है ही है ये मिठाई। तो अब हम ये मिक्सचर अच्छे से बन गया है, इसके मोदक बना लेते हैं। इसे अच्छे से कोकोनट को और मिल्क मेड को मिक्स कर लेना है ताकि स्वाद दोनों का बराबर से मिक्स हो जाए। तो अब ये हमारा मिक्सचर बन गया अच्छे से। अब हम इसके मोदक बनाते हैं। एक छोटा सा गोला निकाल लेंगे इसमें से, और इस तरीके से हम कोन शेप के मोदक बना लेते हैं। आप चाहे तो मोदक बनाने का मोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी आप फटाफट मोदक बना सकते हैं। ये हम हाथ पर यह भी फटाफट बना लेंगे। ये लीजिए, ये कोन शेप का हमारा मोदक बन गया, और इसे हम एक प्लेट में अलग से थोड़ा सा, और मैंने कोकोनट ले लिया है यानी नारियल का बूरा, इसमें हमने इस मोदक को रोल कर लिया है। और ये हमारा मोदक तैयार है। देखिए, बिल्कुल कुछ समय में ही हमारा मोदक बन के तैयार हो गया। तो इसी तरीके से हम और मोदक बना लेते हैं। इस तरीके से आपको गणेश चतुर्थी की पूजा और सजावट करने में भी बहुत समय मिल जाएगा और आपकी प्रसाद भी फटाफट बन जाएगी। और आई एम श्योर ये ना सिर्फ गणेश जी को लेकिन आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। ये इतने फटाफट बन जाते हैं। देखिए, फटाफट हमारा दूसरा मोदक भी बन गया। तो इसी तरह से अब हम पूरे मिक्सचर का मोदक बना लेंगे। ये हमारे सारे मोदक बन रहे हैं। लीजिए, सारे मोदक बन के तैयार है, और भोग लगाने के लिए अब हम ये मोदक ले जाते हैं। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए और बताइए कैसी लगी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गणपति बप्पा मोरिया।